हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अभिनव प्रताप सिंह व्लॉग, विलेज लाइव विद अभिनव प्रताप सिंह व्लॉग। तो मुझे अपना शाम का टाइम है, मैं खेत में आया हुआ हूँ और मैं आपको जो स्पेशल वीडियो वाली वीडियो में बता रहा था, मतलब तो बात ये है, स्प्रे चल रहा है। आप देखो पीछे मंजी दिख रही है, और जो मैं बता रहा था कि येलो हो रही है ना, तो मतलब पीली पड़ रही है और बाकी थोड़ी सी हरा पोर्शन है उसमें, तो उसमें स्प्रे चल रहा है। दिखाता हूँ मैं आपको, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तीन चार देखो, जो मेरा मतलब वो है, इस टाइम मैं मतलब गांव में रहता हूँ, अगर जो आने वाले टाइम में हुआ तो शहर में भी जाएंगे, और खेत में मतलब गांव में हूँ तो गांव का क्या हिसाब रहता है। गाँव में हमारे पास खेत है और गाय भैंस है, और मतलब गांव का ही सब कुछ सिस्टम है कि गांव में मतलब क्या क्या होता है वो। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम विलेज लाइफ विद अभिनव प्रताप सिंह व्लॉग रखा है। और लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को शेयर भी करना, और कमेंट भी कर दिया करो, कुछ तो कमेंट किया ही करो। अब तक तो मैं हर कमेंट को लाइक कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम में भी कमेंट मतलब अभी आपको दिख रहे होंगे ना, हमें आ रहे हैं, हमें स्प्रे करेंगे। तो अब दिखाते हैं आपको दवाई वगैरह कैसी कैसी दवाइयाँ हैं। फ़ोन के कैमरे में नहीं पता चलता कि मतलब कौन सी पीली कौन सी हरी। हरी वाली दिख रही, पर वाली बढ़िया वाली एकदम, पर पीली और हरी दोनों मिलकर दिख रही। तो ये कुछ ऐसी दवाई है, आपका मेरा मतलब रिफ्लेक्ट दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, मतलब जहरीली है इसलिए सेफ्टी बरतनी चाहिए। यहाँ से मतलब पानी वगैरह जैसे आपने देखा वो डालने शुरू कर देंगे, मतलब स्प्रे करना शुरू कर देंगे। और आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ना दवाई, तो मैं तीनों शीशी आए, इन्होंने अपना पीने के लिए पानी रख रखा है। तो देखते हैं कैसे करते हैं वे स्प्रे, वो भी म्यूजिक के साथ। देख सकते हैं आप, म्यूजिक सतना कैसा लगा कमेंट करना। और इस तरह चल रहा है स्प्रे, बुगले भी बैठे हैं अंदर, वाजी वाह। अभी आपको दिख रहे होंगे क्योंकि जूम हो रहा है काफ़ी, बुगले बैठे हैं अंदर इसके। तो कुछ इस तरह स्प्रे चल रहा है, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक चीज़ और। आपने एक मतलब परसों वीडियो देखी होगी कि खाद गिर रहा है एक जगह, मतलब वो बाग था, और कुछ तीन चार चार ट्रॉली यहाँ पे भी गिरी हैं, एक की हमारे साइड में गिरी है एकदम, हमने भी गिरवा ली कि मतलब थोड़ी बहुत ही ज़रूरत पड़ जाएगी, मतलब ज़रूरत होगी तो डाल लेंगे, डालनी पड़ेगी इसलिए गिरवाई है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे बहुत सारा चट्टा लगा हुआ है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मतलब बाग में भी लग रही है, कूड़ी गिरी थी तो इन्होंने मतलब थोड़ी उठा के बाग में मतलब हर पेड़ों में गिर रहे हैं। मतलब हमने बाग इनको दिया है 2 साल के संभालने के लिए, तो कुछ इन्होंने ऐसे ये गिर रहे हैं और इतनी कूड़ी पड़ी है। तो इससे पहले वीडियो में जैसे आपने देखा कि वे वहाँ पे खड़े थे, तो मतलब मैंने उनका तो म्यूट कर दिया था और अपना मतलब वॉइस डाल दी है। तो कुछ मतलब ये थर्ड पार्ट है, मतलब थर्ड पार्ट करो मतलब ये थर्ड जगह है जहाँ पे बचा हुआ मटेरियल गिरा हुआ है, मतलब आज सुबह थोड़ा बहुत गिरा है, और वे जो गिरने वाले थे मैं जा चुके अपने घर। तो ये कुछ इतना है, और मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। तो ये
फर्स्ट जगह है जहाँ पे मतलब गिरी है ये कुड़ी, अच्छे तरह गिर चुकी है। और मैं आपको एक और सावधानी की बात बताना चाहता हूँ। सावधानी की बात ये, आपको ये बच्चे दिख रहे हैं ना, ये बहुत डेंजर है। यानी इस टाइम मैं यहाँ पे खड़े होकर बनवा रहा हूँ, खतरा मुझे भी है, पर ये है कि ये आएंगे तो मैं एकदम भाग लूंगा। तो आप मतलब आप शहर के हों, गांव के हों, कहीं के भी हों, अगर जो आप कोई भी खेत वाले रास्ते को क्रॉस करें तो ये देख लें कि या तो वहाँ पे रुके ही ना, और रुकें तो अपनी बिल्कुल पहले आसपास में देख लें कि कहीं पे बछड़े वगैरह ना हों। मतलब जैसे ये काफ़ी खतरनाक है, ये मतलब टक्कर वगैरह भी मारते हैं, मतलब इंसानों को भी मारते हैं, इंसानों की मोटरसाइकिल को भी मारते हैं। और प्लस जैसे बुग्गी में बछड़ा जोड़ते हैं, जोटा जोड़ते हैं ना, तो उनको भी मारते हैं। तो कुछ ऐसा था मतलब। तो होप यू लाइक इट माई वीडियो। तो आप बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। तो मिलते हैं आपको इसके नए वीडियो में, धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे हो, और इसमें मतलब आपको दिख रही है मतलब वो ज़मीन खुदी हुई, तो उसमें हमने उड़द बोए हैं। बैकग्राउंड में थोड़ा वॉइस है, उसे इग्नोर करना, बैकग्राउंड वॉइस इग्नोर। तो यहाँ पे हमने बोए हैं उड़द, आपको भी मतलब वीडियो डेली डाल दूंगा तो आपको भी पता चलता रहेगा। और ये इसमें अभी बिजली फिटिंग होनी बाकी है, जब बिजली फिटिंग हो जाएगी उसके बाद मिस्त्री आएगा।